आरआरआर प्रमोट करती है नेशनल इंटीग्रेशन। ये फिल्म ऐसा क्या मैसेज लेके आ रही है यूथ के लिए? क्या ये फिल्म एक मिरर है समाज के लिए जो उनको साथ में रहना सिखा सकती है? दिस इज दर्शित अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। वैसे तो आपने फिल्म्स देखी ही है और हर फिल्म कोई ना कोई मैसेज कन्वे करती है। एक तरीके से वो हमें साथ में रहना सिखाती है, कहीं दोस्ती सिखाती है तो कहीं कुछ सेल्फ लव सिखाती है, तो कहीं हमें ऐसी कुछ यूनिकनेस दे जाती है जो हमको काफ़ी पसंद आती है। और इस चीज़ की लिस्ट हमेशा बढ़ती ही रहेगी क्योंकि आखिर इन सारी लिस्टों में हमें ये पता है कि मूवीज़ हमेशा ही हमारे लिए एक मिरर का काम करती है जो कि समाज की सच्चाइयों को बाहर लेकर आती है और हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर लोकल ऑडियंस को कुछ बताना है तो मूवीज़ उसका सबसे अच्छा जरिया होता है। तो कुछ ऐसा ही करने वाली है आरआरआर फिल्म, जो कि एक अपकमिंग इंडियन सिनेमा की काफ़ी बड़ी फिल्म हो सकती है। एसएस राजामौली जी इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म में देश के प्रति डेडिकेशन और लव की भावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने वाली है। इस फिल्म में नेशनल इंटीग्रेशन का मैसेज भी दिखाया जाने वाला है। तो उन सारे मैसेजेस के बारे में कुछ हिंट लेने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आरआरआर फिल्म के एक्टर्स की बात करें तो इस फिल्म में हमें दिखने वाले हैं रामचरण, जूनियर एनटीआर, आलिया भट्ट और अजय देवगन की भी इसमें अपीयरेंसेस होने वाली है। काफ़ी अच्छे से ये फिल्म को रिलीज़ किए जाने का ऐसा सोचा जा रहा है और आलिया भट्ट की ये तेलुगु में डेब्यू फिल्म होने वाली है। इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं डीवीवी दयान है और ये फिल्म दो स्ट्रगल यानी कि दो स्ट्रगलर्स जो कि थे स्वतंत्रता सेनानी उनके आसपास की कहानी पर रिवॉल्व करने वाली है। ये फिल्म को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाने वाला है। इस फिल्म में पोस्ट इंडिपेंडेंस की कहानी दिखाई जाने वाली है जब हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से लोग अपना अच्छी खासी ज़िंदगी त्याग करके स्ट्रगल की ज़िंदगी को चूज़ करते हैं। हम ये जानते हैं कि लोगों की खुशी बड़ी अच्छी चल रही होती है, उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही होती है, लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमेशा ही अपनी उस खुशी भरी ज़िंदगी को त्याग करके आगे बढ़ के अपने देश के प्रति अपना डेडिकेशन दिखाते हैं। कुछ यही दिखाने वाली है ये फिल्म और कहीं ना कहीं ये फिल्म हमें दो पार्ट में दिखाने वाली है, एक तो पास्ट और एक फ्यूचर। तो पास्ट और फ्यूचर के कनेक्शन के बारे में भी ये फिल्म हमें काफ़ी सीख दे के जाने वाली है। वैसे तो इस फिल्म के लिए काफ़ी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये फिल्म बहुत बड़ा मैसेज छोड़ के जाने वाली है जो कि मैसेज होने वाला है कंट्री डेवलपमेंट। हम इतने ज़्यादा सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करने लग गए हैं कि कंट्री डेवलपमेंट हमारे लिए काफ़ी बहुत ही बड़ी बात सी लगने लग गई है अब के आज के यूथ को, जबकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अपना 100% पोटेंशियल देना अपने देश के लिए और अपने पूरा डेडिकेशन रखना अपने देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है और इसी चीज़ को सिखाने वाली है हमें ये फिल्म आरआरआर। जहाँ पहले हम देखते थे कि हर कोई एक दूसरे की मदद करता था, मिलजुल कर रहता था, तो वहीं हम अब देखते हैं कि कोई किसी की मदद करने के लिए उतना अच्छा तैयार नहीं रहता है या मदद करने से पहले कम से कम 10 बार सोच ही लेते हैं। तो कुछ इसी चीज़ों को आरआरआर दिखाने वाला है और बहुत ही ब्यूटीफुली कन्वे करने वाला है जो कि इस फिल्म का बहुत ही प्लस पॉइंट होने वाला है। साथ ही साथ ये फिल्म एम्फोसाइज करने वाली है यूथ पावर पर। जैसे कि हम जानते हैं ये दोनों ही भाई जो हैं जिनके अराउंड ये रिवॉल्व होने वाली है स्टोरी, ये दोनों अपने पोटेंशियल को कैसे यूटिलाइज करके अपनी ड्यूटी निभाते हैं और किस तरीके से देश के प्रति अपना पोटेंशियल दिखाते हैं, वही चीज़ को ये फिल्म पोर्ट्रे करने वाली है, जिससे कि ये आज के यूथ के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि अगर वो जाकर अपना नेवी में देते हैं और यूथ के लिए हमें दिखाते हैं कि किस तरीके से वो डेडिकेटेड हैं, या सिर्फ नेवी के ही फील्ड पे नहीं बल्कि जिस भी फील्ड पे आप जाए उतने ही पोटेंशियल से जाए और उतने ही अच्छे से डेडिकेटेड होकर जाए। तो यही कुछ ये सारी चीज़ें हमें सिखाने वाली है फिल्म आरआरआर। अगर आप एक्साइटेड हैं इस सारी बातों को सीख कर और एक अच्छी ब्यूटीफुल स्टोरी देखने के लिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी एक्साइटमेंट ज़रूर जाहिर कीजिएगा इस फिल्म की रिलीज़ को लेकर। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।